सप्ताह 8 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं शासन के द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन आज महिलाएं केवल नाम मात्र के लिए ही इस आरक्षण का लाभ उठा पा रही है। स्वतंत्र रूप से काम कर पाने में असक्षम है, कारण उनके परिजनों का खुलेआम दखल, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसा ही एक वाकया बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सुनीकला में देखने को मिला, जहाँ वर्ष 2019 में हुए चुनाव में उमेश्वरी साहू चुनाव में विजयी हुई, लेकिन ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के द्वारा केवल नाम के लिए ही ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी संभाली जा रही है, जबकि पूरा कामकाज उनके पति के द्वारा संभाला जा रहा है। पंचायत संबंधी समस्त कार्यों में दखलअंदाजी भी उनके पति की ही चल रही है, जो कि शासन के द्वारा निर्वाचित पदों के लिए महिलाओं को दिए गए आरक्षण के अधिकारों का हनन होता है। सरपंच पति के पक्षपातपूर्ण रवैये के चलते गांव के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने लिखित रूप से बागबाहरा SDM से की है। हाँ सर, मोर नाम छोटूलाल साहू हरे, मैं ग्राम पंचायत सिवनीकला की मूल निवासी घर हूँ। मुला बैंक से कुछ ऋण लेना रही से, अपन कुछ बिजनेस करे बारे, तो मैं सरपंच के भी दस्तखत होना रही से, एक प्रति रही से, जिसका नाम है नपत्ति प्रमाण पत्र, तो ओला हम लेके गए सरपंच के पास में, तो घर जैसे पहुँचे हमन, तो सरपंच की जो सरपंच पति है वो हमारे सरपंच से नहीं मिलन दी, हमन बोले कि हमें दस्तखत करना है सरपंच ला, बोले बरायन हमन था, तो बोली सुन कि का काम है तो मोर से बोले, तो हमन बोले कि आपसे काम नहीं है, हमारे सरपंच से बात करना, तो बोलीस कि सरपंच से का जब तक मैं जो कर निरा जब तक नहीं पढ़ूँ नहीं समझूँ तब तक मैं सरपंच ला नहीं बुलाऊँ ना मैं दस्तखत करा नहीं दो अपन मन में। आइए इस विषय में जानकारी लेते हैं गांव की महिला सरपंच से, फिर बागबाहरा SDM डॉक्टर तिवारी से भी। जी, सर्वप्रथम अपना परिचय देंगे। हमेश्वरी साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत सिवनीकला। मैडम, गांव के युवा शिकायत कर रहे थे कि स्वरोजगार के लिए जो है वो आवेदन लगाने के लिए आपके पास साइन कराने के लिए पहुंचे, तो आपके पतिदेव के द्वारा उनसे अनुभव प्रमाण पत्र और जिस जमीन में वो काम करना चाहते हैं उसका नक्शा खसरा इत्यादि का मांग किया गया, जबकि वह केवल एक अनापत्ति और जनसंख्या प्रमाण पत्र था, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मुझे तो पता नहीं है भाई ये बारे में। युवा आप तक पहुंचे थे, आपके पास पहुंचे थे? नहीं पहुंचे हम उस तक, लेकिन आपके पति ने स्वयं स्वीकारा कि युवा जो है उन तक पहुंचे थे और मैंने मना किया करके। तो पंचायत आप चलाते हैं कि आपके पतिदेव भुवनेश्वर साहू जी चलाते हैं? तो युवा मोर जगह ही तो बताऊं सर मल। नहीं, पंचायत के बुताला ते चला था दीदी कि भैया चला थे? अब देख रेख तो इच्छा कर थी ना, पति इच्छा कर ही, महिला थोड़ी कर सकी भाई। जी, आज ग्राम पंचायत शिवनी कला के कुछ 5 युवा यहाँ आए हुए हैं, उनकी शिकायत है कि वो बैंक से लोन लेकर कुछ लघु उद्योग वगैरह स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें उनको सरपंच से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और सरपंच पति द्वारा हस्तक्षेप करके उनको नहीं दिया जा रहा है, तो इस मामले की हम जांच करवा लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाए। मैम, जैसा कि देखा जा रहा है कि बहुत सारे पंचायतों में सरपंच पति के हस्तक्षेप के चलते महिलाएं जिनके सशक्तिकरण के लिए शासन आज 50% का आरक्षण देकर उन्हें पदों में अभिषिक्त करती है, उसके बाद भी उन्हें काम करने नहीं दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये गलत प्रथा है और मैं इस बागबहरा क्षेत्र में इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि महिला अगर चयनित होकर आई है, सरपंच बनी है, तो वही सारे काम करे और उनके पति का हस्तक्षेप उसमें न रहे।